मैं मुकुल को फोन कर रहा हूँ, ये फोन नहीं उठा रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो टाइम हो गया है 11 o'clock। गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। तो आज का ब्लॉग बेसिकली अनएक्सपेक्टेड है। एक्चुअली अभी सुबह फ़ोन आया मुकुल का, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है कि अभी चलते हैं घने में, आज वीडियोग्राफी फोटोग्राफी घने में करेंगे। आज संडे भी है, शॉप का भी ऑफ है, वीडियो भी 15 दिन से नहीं आ रहे थे। आज एक छोटा सा वीडियो जरूर डाला है मैंने आपको, आई होप कि पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा हो तो करना क्या है आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, थोड़ा सा प्यार देना मुझे। तो चलिए, अभी यहाँ से मुकुल फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन हमारे डीडी शर्मा जी का फ़ोन आ चुका है। हम सीधा घने के गेट पे जाते हैं और आपको फिर मैं रस्ते में मिलता हूँ। और आज हम बाइक से नहीं, साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल ही सबसे मज़ेदार साधन है घने में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का, घने में आनंद लेने का। साइकिल से बड़ा कुछ नहीं, साइकिल साइकिल साइकिल। चलिए तो सीधा मिलता हूँ मैं आपको अब साइकिल पर। तो हम हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21 पर और इसी रोड पर पड़ता है हमारा कैलादेव नेशनल पार्क। और मेरे घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और साइकिल से हैं हम। ये हमारी साइकिल और साइकिल से आज कैलादेव नेशनल पार्क की विजिट होगी। और एक्चुअल में सही बात तो यही है कि यही व्हीकल एक ऐसा है जो आपको मज़े देगा पार्क में, घना बर्ड सेंचुरी में। तो आज हो सकता है संडे भी है और मौसम भी है तो भीड़ भाड़ हो, फोटोग्राफी का तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन ब्लॉग बहुत शानदार बनेगा, आप ये देखना ज़रूर। चलिए तो बस अब घने के गेट पे मैं पहुंचने वाला हूँ। अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूं जो कि घने से संबंधित हैं, तो आप उसको ज़रा पॉज करके भी देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ लेना। यहां पर आने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए, अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ो। जब तक कि मुकुल आता है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अब हमने घने में एंट्री कर ली है और काफ़ी भीड़ है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन थोड़ा सा रश है क्योंकि अभी सीज़न टाइम है। तो दिसंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा रश बढ़ गया है और काफ़ी टूरिस्ट आने लग गए हैं यहाँ पे। और मैं आज हमारे मुकुल भाई साहब और हमारे अंकल डीडी शर्मा जी जो हमारे साथ हैं, ये रोज़ाना घने में अकेले आ रहे थे, आज हमने इनको पकड़ लिया है, आज हमारे संग चलो आप। तो देखते हैं आज मुकुल भैया जी हमको कहाँ की वीडियोग्राफी करवाते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं। वैसे डार्टर इनके मूड में बना हुआ है, डार्टर की करेंगे आज क्योंकि काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है डार्टर की। पाइथन भी मिला था कल, पाइथन भी मिला, ये रोज़ाना आते हैं भाई। एक्चुअल में हम तो काम धाम वही हैं, ये अभी रिटायर हो चुके हैं बैंक से और ये डेडिकेट हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, तो रोज़ाना इनका यहीं पे आना जाना रहता है। इस सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं डेली, आज हम आ गए हैं संडे मनाने के लिए। चलिए तो फिर अब आगे चलते हैं। अभी एक्चुअली 1.5 किलोमीटर दूर हो गए यहाँ से बैरियर से, एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर, एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर एग्जैक्ट बैरियर आता है मेन गेट के बाद, फिर वहाँ से एंट्री होती है, असली घना वहीं से स्टार्ट होता है। हैने को तो यहाँ पर भी है लेकिन वहाँ से असली घना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, सांस फूल रही है, आज बहुत दिन बाद साइकिल चलाई है, तो फिर बैरियर क्रॉस करके फिर मिलता हूँ आपसे। पर ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड रविंदर जी और टूरिस्ट घुमा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार गाइडिंग करते हैं, चिड़ियाओं का काफ़ी नॉलेज है इनको। और अब हम आ चुके हैं बैरियर। Thank you.
डी शर्मा जी हैं, ये लगे हुए हैं अपने तोप तमंचों से। ये हमारा कैमरा यहाँ पर लग रहा है और सामने स्पॉटेड आउटलेट बैठा हुआ है जिसको उल्लू बोलते हैं एक्चुअल में, जो आप जैसे मेरे कैमरे में देख पा रहे होंगे। और पीछे हमारे मुकुल भाई साहब, इन्होंने भी अपना कैमरा सेट कर रखा है। उल्लू के बारे में थोड़ा बहुत हमको बताएं कि ये कौन सी प्रजाति का है, कहाँ पाया जाता है, कितना क्या सब कुछ, तो प्लीज़ शर्मा जी बताएं जरा हमें। ये स्पॉटेड आउलेट है और बेसिकली जो आउल होता है वो बड़ा होता है, करीब 1.5 फुट का, और ये आउलेट होती है जो छोटे होते हैं, है ना। और ये अपना लोकल सबसे कॉमन आउल है ये जी, स्पॉटेड आउलेट सबसे कॉमन होता है। इसको हिंदी में पतोरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, पतोरी बोलते हैं। और नॉर्मली रात को ये कई तरह की आवाज़ निकालता है, और ये भी मानते हैं कि नया जो बच्चा होता है अपने घर में, यदि वो इसकी आवाज़ सुन लेता डर जाता है। तो और ये जो उल्लू आप देख रहे हो ना, ये आप देखो फुली स्ट्रॉन्ग है, फुली मेच्योर है। और जो इसके जो जिस तरह नाम है वो नाम सार्थक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी पे स्पॉट है पूरी पे। अच्छा, दैट्स व्हाई नोन एज स्पॉटेड आउलेट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको पूरा मेच्योर है फुली। अच्छा, इसकी फीमेल भी आसपास बैठी होगी, वो बहुत शाही नेचर की है। अच्छा, और फीमेल है वो नॉर्मली पास नहीं आने दे रही है। अब देखो ये स्नैच कर रहा है बॉडी को पूरी को, ये देखो खूबसूरत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी पंखे फैला के एकदम बहुत ही शानदार पक्षी है, बहुत ही शानदार। आपको हमारे दर्शकों को पूरा दिखा रहा है ये, क्या बात है, अपनी पूरी ब्यूटी को आपके सामने पेश कर रहा है। देख लो मैं कितना खूबसूरत हूँ। सॉफ्ट सेल टर्टल है, और ये जहाँ तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्मॉलेस्ट टर्टल इन इस पार्क, अपने इस नेशनल पार्क में तो स्मॉलेस्ट है, और शायद ये इंडिया में भी स्मॉलेस्ट है ये। अभी जो टर्टल अपन पालते हैं घरों में वो इम्पोर्टेड होते हैं सारे। अच्छा अच्छा, लेकिन वो इम्पोर्टेड होते हैं या फिर वो सी टर्टल होते हैं, लेकिन जो लोकल जो इंडियन टर्टल है और इस पार्क का टर्टल है ये सबसे स्मॉलेस्ट वन है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड, अब देखो कितना खूबसूरत है, खूबसूरत है ना, बात है। तो अब हम बैठ गए हैं केवला देव, जो अपना नेशनल पार्क का एक मंदिर है, उस पर एक कुंडा पड़ता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और काफ़ी गहरा पानी है, और यहाँ पर डार्टर जो है मछली वगैरह पकड़ते हैं, पोंड एरोन भी हैं यहाँ पे। और मुकुल भैया हमारे कैमरे को लगा के बैठे हुए हैं, सेटिंग चल रही है, हमने भी अपना कैमरा ठोक दिया है, और आई होप कि वीडियो अच्छा बन के आएगा। बाकी हमारे शर्मा जी को कोई रास्ते मिल गया था, वो आ रहे हैं, वो हमको बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो एंजॉय कीजिए, हम भी यहाँ बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, पानी की बोतल ले ली है, बैग वगैरह सब खोल खाल के, और हम ये